भोपाल सेंट्रल जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन सिमी के 8 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। जेल से फरार होने के पहले आतंकियों ने हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी और फिर दीवार फांदकर फरार हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने को मंजूरी दी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज के दिन को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम है भारत का एकीकरण। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की एकता और अखंडता में सरदार पटेल के योगदान की सराहना की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि देश के एकीकरण में सरदार पटेल ने अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय प्रक्रिया में दलितों और उपेक्षितों की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों को सिस्टम में लाना ही होगा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा। देश भर में आज से एक सप्ताह तक चलने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हुई। इस मौके पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी ने कहा कि हमारा उद्देश्य देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है और ये तभी संभव होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसके खिलाफ खड़े हों। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर के मैंढर और राजौरी सेक्टर में एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाक की इस हरकत का सेना द्वारा माकूल जवाब दिया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान रेंजर्स ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए सांबा, कठुआ और जम्मू जिलों में बीएसएफ चौकियों को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के माचिल में शहीद हुए नितिन सुभाष कोहली की आज अंतिम विदाई की गई। बीएसएफ में कांस्टेबल शहीद नितिन का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सांगली के दूधगांव में किया गया। शहीद का गांव उनकी शहादत के बाद शोक में डूबा हुआ है। अलगाववादियों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक स्कूल को आग के हवाले कर दिया। पुलिस व दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्कूल को आग में राख होने से बचाया। पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा में ये 25वां शिक्षण संस्थान है जिसमें आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मैलकॉम टर्नबुल से फोन पर बात कर भारतीय मूल के मनमीत अली शेर की ऑस्ट्रेलिया में बेरहमी से हत्या का मामला उठाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मनमीत अली शेर की मौत पर दुख जाहिर किया। साथ ही उन्होंने भारत के पीएम को बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी मेमोरियल में उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान नेता बताया। वो भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। यूरोपीय संघ और कनाडा ने रोजगार और वृद्धि दर तेज करने के उद्देश्य से रविवार को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और कनाडा के बीच सीमा शुल्क पर छूट होगी। 2017 की शुरुआत में इसे प्रारंभिक तौर पर लागू किया जा सकता है और ज्यादा आयात शुल्कों को खत्म किया जा सकता है। मोरक्को के उत्तरी शहर अल होउसे में एक मछली व्यापारी की कूड़े के ट्रक द्वारा कुचले जाने से मौत होने पर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए गए। ये व्यापारी पुलिस द्वारा जब्त की गई मछलियां वापस लेने की कोशिश कर रहा था। विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से से भरी पोस्ट के बाद भड़का। चौथी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इसी तरह भारतीय हॉकी टीम ने दीपावली के मौके पर देशवासियों को जीत का शानदार तोहफा दिया। ये भारत की दूसरी खिताबी जीत है। चौथे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का कांस्य पदक मलेशिया ने जीत लिया है। तीसरे और चौथे स्थान के लिए हुए इस मुकाबले में मलेशिया ने पेनल्टी शूटआउट में दक्षिण कोरिया को 3-1 से पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया।